शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सुना है इस साल दशहरे के त्योहार पर 50 फुट ऊंचा रावण खड़ा किया जाएगा, इसलिए आज के रावण का सर्वनाश करना है तो आज के राम को भी बहुत ताकतवर होना चाहिए। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, वरना तो फिर बोला बीच में बे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार। आओ आ गए समाज मंदिर के बंदर। तुम लोग शायद शाम के लिए बड़े ठाकुर को निमंत्रण देने आए हो कि वो आए साथ में छोटे ठाकुर को भी लाए और अपने इन मुबारक हाथों से रावण के पुतले में आग लगाए। बीच में बोलना। कहो बरकरदार, क्या बात है? हम लोग रामलीला कमेटी की तरफ से आपसे चंदा लेने आए हैं। पुण्य के काम में तो हम सबसे आगे होते हैं। ये लोग गिन लेंगे, फिक्र मत करो। शाम को आके और ले जाना। और देखो, एक बात का ख्याल रखना तुम लोग, रावण को आग लगाने का सौभाग्य मेरे ही बेटे को मिलना चाहिए, समझे? क्यों नहीं ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर साहब ही रावण के पुतले को आग लगाएंगे अगर वो ये साबित कर दें कि इस गांव में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बलवान है, तो वही रावण के पुतले को आग लगाएंगे। गांव वालों, श्री शक्ति सिंह, इस नारियल को आप नारियल दे रहे हो? नारियल को इस नारियल को अपने फौलादी मुक्के से तोड़कर इसके भेजे का पानी भड़क से निकालने वाले हैं। अपनी ताकत का, अपने बुढ़ापे का, जवानी, इधर जवानी, जवानी, हाँ जवानी, मुजाहरा करेंगे। उसके बाद अपने हाथों से रावण को जला डालेंगे। रावण किधर है? रावण, वो रावण, है कोई माई का लाल, इनकी ताकत को ललकारने वाला कोई भी नहीं है। आधा घंटे से आवा दिया, कोई भी नहीं आया। लो खा जाओ, नहीं तोड़ दो। नारियल टूट गया, हाथ टूट गया। अरे बस 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 बस, ये नारियल का पानी नहीं, इनका पानी निकल गया। दोनों नारियल। खैर, अब मैं इस नारियल को अपने मुक्के से नहीं देखेंगे। बहन, कल रात भी तेरा पति घर नहीं आया ना? पूछ उससे कि वो रातों को कहाँ रहता है। जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर रातों को बाहर रहता है ना, तो अक्सर वो रातें गुनाहों की आगोश में गुजरती हैं। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिंदगी का तजुर्बा बोल रहा है। आपका तजुर्बा गलत बोल रहा है, देखना वो आते ही होंगे। आप रात भर कहाँ थे और ये कौन है? मैं जहन्नुम में था, तुमसे मतलब, और ये मेरी जान है, मेरी माशुका है, आज से इसी घर में रहेगी। हाँ क्या? नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर इसे इस घर में रखना है तो पहले मेरा खून कर दीजिए, नहीं तो मैं इस पापिन का खून कर दूंगी। तेरी ये हिम्मत, मेरे मेहमान पर हाथ उठा दी। होश में आइए, मेरा नहीं तो दुनिया का ख्याल कीजिए, लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा ना सोचेगा, सिवाय तुम्हारे भाई के। वही है जो सारे गांव में हमारी बदनामी कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है। यही है वो जो अपने भाई की कान भरती होगी। नहीं नहीं, ये झूठ है, न मैंने भैया से कुछ कहा, न भैया ने इस बारे में किसी से कुछ जिक्र किया। मैं तुझे और तेरे खानदान को अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी के पीठ पीछे बुराई करने वाले को क्या सजा दी जाती है? आओ मैं तुझे बताता हूँ। तूने मेरी बहन को सलाख से जला डाला, आज इस सलाख से मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। नहीं भैया नहीं। लक्ष्मी, उसके सर पे शराब और इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, आज मैं तेरा भूत भैया। ठीक है, यहां मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन ये आया शराबी का बच्चा कभी तो बाहर आएगा, इसे मैं वो मार मारूंगा कि जिंदगी भर चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा, गांव के चौराहे बैठकर भीख मांगेगा ये। क्यों, तुम कौन होते हो इन पर हाथ उठाने वाले? ये मेरे पति हैं, ये मुझे मारे, ये मेरी जान ले ले, इनको मेरी जिंदगी और मौत पर पूरा अधिकार है। लक्ष्मी जाओ, चले जाओ मेरे घर से, और कभी दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। लेकिन जाने से पहले इस घर के सुख को डसने वाली इस नागर को घर से बाहर निकाल कर जाऊंगा, सारे फसाद की चढ़िए साली। ये मेरी मेहमान है और ये मेरा घर है, तेरा नहीं, समझे? भैया मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। चुप, चीखना और चिल्लाना मेरे घर में नहीं चाहिए, अगर किसी को इस घर में लाना या निकालने का हक है तो सिर्फ मुझे, समझे?
और सुन रवि, इस घर के मालिक की हैसियत से मैं तुम्हारी बहन को यहाँ से निकाल रहा हूँ। ले जाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे औरत। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे मत निकालिए, मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। अगर तू अपने माँ बाप की असली औलाद है या तेरे अंदर रति भर शरीफ खानदान का खून है तो चुपचाप एक शब्द बोले बिना यहाँ से चली जाएगी। अब निकल जाए यहाँ से, चलो रमा। सुन लिया, तू पाप के तालाब में गंगा जल तलाश कर रही है, जहर से अमृत की आस लगाए बैठी है। चल बहन, इसके दिमाग पर शैतान ने गुनाह की मोहर लगा दी है। सच्चाई में इसे बुराई नजर आएगी और बुराई में सच्चाई। चल बहन घर चल, तेरा भाई अभी जिंदा है। चल जानवरों के हॉस्पिटल में पैदा हुई थी क्या? किए जा रही है, इंसान के जबान में बोल नहीं सकती। चल आप रास्ता छोड़ो, मुझे यहाँ से निकलना है। चेहरे पर लॉरी की हेडलाइट की तरह जो दो आंखें लगी हुई है ना, अगर उसे खोलकर देखोगी तो पता चलेगा कि ये रास्ता नहीं खेत है। जाना है तो उधर से जाओ। बकवास नहीं चाहिए, मुझे इधर से ही जाना है और मुझे यहाँ अपना काम करना है। आज तक मुझसे जिद करके कोई जीता नहीं है, मैं यहीं से ही जाऊंगी। अरे वो पढ़ लिख कर चाहिनों को शर्माने वाली लड़की, अरे चप्पल पहन कर भांग के पौधों को रोलते हुए जा रही है। अरे कभी कड़कती धूप में घुटने पर पानी में कमर झुकाकर पौधों को रोप कर देख, तब तुझे पता चलेगा कि कड़कती धूप में कमर झुकाए अनाज बोएगी मेरी जूती। तो कौड़ी का किसान हमारे अनाज पर जीकर हमी से जबान चलाता है। ये मेरी जमीन है, अगर मैं चाहूँ मैं इसे रौंदूंगी, बल्कि 10-12 लोगों को बुलवाकर कुछ लूंगी भी। अरे मालकी रुक जाइए, ये पाप है। अरे इस घमंडी बाप के औलाद को पाप कौन समझाएगा, इसे कौन बड़ा ही समझाएगा। कोटो 2 मिनट में समझा दिया ना ऊपर वाले ने, देखा। अरे वो घमंड की मिट्टी से बनी हुई गुरूर की मूर्ति तेरी अक्कड़ गरीबों पर चल सकती है, लेकिन कुदरत के उसूलों पर नहीं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, धरती माँ की संतान है। तू अगर इन्हें कुचलेगी तो धरती माँ कैसे बर्दाश्त करेंगी? हाँ जा तुम दबाकर भाग, यही धरती माँ की गोद से सांप बिच्छू निकल आए ना तो डंग मार मार के ये गुलाबी रंग नीला कर देंगे। अरे ये क्या है? सांप, सांप, सांप। हाँ देखो तो ठाकुर साहब की बेटी आ रही है। आइए अंदर आइए। नहीं ये सब क्या है, इतनी कड़ी धूप में बिना चप्पल कहाँ से आ रही हैं आप? अंदर आइए ना। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी होंगी। ऐसा मत कर, घर तक आकर अंदर नहीं आए तो हमें बड़ा दुख होगा। थोड़ी देर के लिए आइए ना। संभाल के माँ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ ना। आप हमारे अहोभाग्य जो आपके शुभचरण हमारी कुटिया में पड़े, आइए बैठिए ना। नहीं नहीं इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? ऐसे नहीं जाइएगा, प्यास लगी होगी कुछ तो पीकर जाइए। नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ तुम भी कमाल करती हो, मेहमानों से ऐसी बातें पूछी जाती है, जाकर ले आओ ना कुछ। थोड़ी सी छाछ तो पीनी पड़ेगी। लाओ तो सही पहले तुम, जल्दी ले आओ। हाँ ऐसे क्यों खड़ी है, काम में कुछ चुप तो नहीं गया? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कांटा चुप गया है, इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जा रहा। लाइए मैं निकाल दूँ? नहीं मैं अपने डॉक्टर को बुलवा कर निकलवा लूंगी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप हाँ मखा डर रही है, मैं इतनी आराम से निकाल दूंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं लीजिए छाछ भी लीजिए, हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं, आप ही का दिया हुआ पीते हैं, आपके लायक अभाव तो हम कर नहीं सकते। माँ देख कर तो रहना चाहिए था, इसमें तो बाल है। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा शगुन है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। माँ शगुन वगन की बात छोड़ो, पहले छाछ फेंको दूसरा ले आओ। नहीं नहीं फेंकने की क्या जरूरत है, खामो खाम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा फिर लीजिए। लक्ष्मी जल्दी से हल्दी कंकू तो ले। हाँ हाँ नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, ये सब मंगलकारी वस्तु है, स्त्री जाति को इसके लिए ना नहीं करनी चाहिए। चूल्हे पे कुछ जल रहा है, बू आ रही है। चूल्हे पे? हाँ चूल्हे पे तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। नहीं नहीं जरूर कुछ जल रहा है, बहुत जबरदस्त बुआ रही है, आप जाकर देखिए तो। अच्छा ठीक है
पागल है क्या? उसके सामने दूसरा ग्लास छाछ लाने को कह दिया, घर में एक ही ग्लास तो छाछ पड़ी थी। छाछ खट्टी तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी थी, मैंने सारी पी ली। देखिए माँ, ये लो लीजिए। अच्छा ओके, बाय बाय। सर से पांव तक चर्बी चढ़ गई है, इस साली को तो पागल पहलवान धोबी जैसा पति मिलना चाहिए। धोबी घाट ले जाकर पटक पटक कर चर्बी उतार दे। क्या बकता है, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल फूल जैसी। मैंने बुलाया तो अंदर चली आई, बिना कुछ कहे छाछ भी पी ली, और जानता है साथ में कुमकुम भी ले गई। हाँ भैया, माँ ठीक कहती है। क्या खाक ठीक कहती है? अरे ये क्या, क्यों तू कहती थी ना मेरे लाल के मुंह से दूध चपकता है, तो देख आज तेरे लाल के मुंह से छाछ चपक रही है। छाछ? जी हाँ छाछ, तुम्हारी दी हुई छाछ उसने बड़े प्रेम से मेरे मुंह पे मार दिया। बड़ी प्यारी बच्ची है।